कपड़ा भी देखा था हुआ लास्ट में हुआ। और शुरुआत में मुझे लगा था भाई आज बोनी नहीं होगा, लेकिन लास्ट में बहुत अच्छा सेल हो गया और कस्टमर मिलते रह गए और लगातार भाई सौदा होता गया। तो अभी देखो तो सारा पीस पता हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में। तो भाई अभी बकरी वकरी को सारा बाहर बांध दिया हूँ और उनको खाना पीना खिला दिया और भाई अभी खाना वाना बनना स्टार्ट हो गया क्योंकि आज बाज़ार है वारिसगंज का। और भाई आज बहुत घर पे काम है, जो सामने दिखता है भाई इधर का जो सामने दिख रहा है सारा खुला खुला, तो इधर से एक मतलब इसी तरह सरपत का टटिया बांधना है जिससे हमारे घर को दिखेला। थोड़ा सा अजीब सा लगता है, रोड पर से जाते हैं तो कोई बैठा रहता है, खाना पीना खाता है तो काफ़ी मतलब अच्छा नहीं लगता। तो अभी देख सकते हो सुरवा लगा हमारे लिए, तो स्पेशल ही बन रहा है क्योंकि परोठा बन रहा है यार। कौन कौन खाएगा परोठा? लो हमें निकालो भाई, हमें निकालो, हम पहले खाएंगे। सबसे पहले प्रिंस सही बता दो परोठा नहीं बना है तो पहले परोठा वरोठा खा लेते हैं फटाफट। भाई मैं अपने घर का एक रोल दिखाता हूँ, कितना बेस्ट रोल है। एक तरफ खाना बन रहा है, एक तरफ भाई ताजा ताजा खाया जा रहा है। क्या हो मस्त है भाई? प्रिंस रेडी है स्कूल जाने के लिए और एकदम ताजा ताजा परोठा बन रहा है। अब ये परोठा है और एक सेका जा रहा है, ये पता नहीं किसके हाथ में जाएगा, किसके हाथ में जाएगा, इसके या करण के? करण चलो फटाफट खाओ और चल के फटाफट हमें लगाओ। 500 रुपए दे दिया जरूर करना यार। 500 रुपए कहाँ पर लग जाए यार, चमक दी फीस पर्वत है तो कहना पापा ये दी पापा पर... यार फोन में बात नहीं करते वो कह रहा पैसा पर ही नमक लगे दे दिया फिर भाई दिए ना दिए पेपर ना दे दे चला लो क्या है फिर वहन खड़ा कह रही है आवे ना। तो भाई कुछ सामान कम हो गए थे हमारे पास, अभी दुकान पे रखा था तो इसको रख लेता हूँ क्योंकि कस्टमर मांग रहे तो बिल्कुल ख़त्म था। और एक ये चीज़ बच्चों का मतलब पैजामी है ये भी ख़त्म था, फटाफट इसको भी पैक कर लेते हैं। और एक ये था बड़े साइज का लोगर भी ख़त्म था जो मांग रहे थे तो नहीं था, इसको भी पैक कर लेता हूँ। बाद बाबू से कहा भाई कैमरा चलो ये साइड क्या रहा है आओ बैंक से आए भाई साइकिल से आए हैं आज नहीं उनका किसी है कि नहीं ना वैसा सही वाले इनका का कुछ दिया चलते चल भाई कैसे हो? अभी भाई ये क्या हो रहा था, लगता है गली उसकी बराबरी हो रही थी यार भाई। अभी तो चप्पल लगा लो तो लाइन लगा दिए हैं और फिर अभी कोई नहीं आया भाई, देख सकते कपड़ा मार्केट पूरा खाली है और मैं सबसे पहले आ जाता हूँ क्योंकि मुझे पास काम नहीं है। तो चलो भाई मैं आखिर आ ही गया हूँ तो लगाते हैं फटाफट दुकान अपनी। भाई खड़ी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, देखो पूरा ताकत लगाता हूँ भाई तेरे की।
कैमरा भी खड़ी होगी भाई। इतना बोझा खड़ा करना स्टैंड पे बहुत बड़ी बात होती भाई। एक डेढ़ कुंटल की गाड़ी हो गया 70-80 किलो ये बोझा हो जाता है। फाइनली शाम को 5:10 हो गया और भाई अभी शाम हो गया क्योंकि भाई चलते कपड़ा वपड़ा मतलब इकट्ठा करते हैं। और भाई सेल अच्छा हुआ लास्ट में हुआ, और शुरुआत में मुझे लगा था भाई आज भोरी नहीं होगा, लेकिन लास्ट में बहुत अच्छा सेल हो गया और कस्टमर मिलते रह गए और लगातार भाई सौदा होता गया। तो अभी देख सकते हो सारा पीस मतलब नीचे पड़ा हुआ है और नीचे का सामान थोड़ा सा बिक गया है इधर का, और सारा गोचन जो ऊपर है। तो चलते हैं फटाफट पैक करते हैं दोस्तों, क्योंकि भाई शाम भी हो गया और कुछ आज पहन के नहीं आया हूँ, क्योंकि बस बंडी पहना हूँ, हाफ स्वेटर लेके आया हूँ, तो रास्ते में बहुत ठंड लगेगा, तो इससे पहले अंधेरा हो जाए। तो चलो फटाफट पैक कर लेते हैं दोस्तों। आज भाई लूगर इज्जत बचा लिया और लूगर में भाई प्रॉफिट हो गया, उसमें अच्छी दिहाड़ी पड़ गई, 2 लूगर बेच दिया, जो एक्स्ट्रा थे बस 2 ही बचे थे। तो अभी चलता हूँ फटाफट पैक करता हूँ दोस्तों। तो
दोस्तों फाइनली अभी घर आ गया भाई। तो अभी आया तो ये लोग बैठे हैं, खाना वाना नहीं खाए हैं, तो शाम को थोड़ा टाइम लग जाता है आने जाने में, क्योंकि भाई जो मार्केट होता है 1-1.5 घंटे का होता है। सुबह से अगर हम लोग चले जाते हैं, 12 बजे चले जाओ चाहे 10 बजे चले जाओ, कभी भी जाओ, लेकिन जो मार्केट लगता होता है शाम को ही लगता है, ठंडी के मौसम में तो 4 से 5 बजे तक। और अगर सेल होना होता है तो 1 से 1.5 घंटे में सेल हो जाता है जो होता है, नहीं तो पूरे दिन चाहे बैठे रहो तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों आज ऐसा एक पल को लगा कि भाई सेल नहीं होगा, लेकिन लास्ट में जैसे 4:30 बजा तो भाई कस्टमर आना चालू हो गए, तो लगातार सेल हुआ और भाई दिहाड़ी आज बन गया है, क्योंकि 8-9 कपड़े बेचा हूँ जोड़ी, तो रोज की तरह आज भी दिहाड़ी बन गया है, तो थोड़ा आज लोगर में ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। जिस लोगर को सोचते थे नहीं उसमें बचत होगा, लेकिन उसको आज मतलब दाम से ज़्यादा दाम बताया था, इसलिए उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट आ गया था, तो दिहाड़ी उसी में बन गया था। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उसी दाम में देना होता है जिस दाम में हम खरीद के लाते हैं, जैसे कोई कपड़ा गंदा हो जाता है या कोई मतलब उस तरह गरीब घर का आ जाता है तो थोड़ा रिझाता है, भैया मैं बहुत गरीब हूँ, ऐसा हुआ वैसा हुआ बताता तो उसको देना पड़ जाता है। लेकिन किसी किसी कपड़े में मैनेज हो जाता है, जो आदमी देखते हैं थोड़ा तगड़ा पार्टी है कि ये पैसा दे सकता है, तो उसके हिसाब से उसको दाम बताया जाता है, तो आसानी से मिल जाता है रेट। तो दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।